ये क्वेश्चन एवरेज एलिगेशन एंड मिक्सचर्स पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। देयर आर टू कंटेनर्स ऑफ द सेम वॉल्यूम। फर्स्ट कंटेनर हाफ फिल्ड विद शुगर सिरप एंड द सेकंड कंटेनर हाफ फिल्ड विद मिल्क। हाफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर इज ट्रांसफर टू द सेकंड कंटेनर एंड देन हाफ ऑफ दिस मिक्सचर इज ट्रांसफर्ड बैक टू द फर्स्ट कंटेनर। नेक्स्ट हाफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर इज ट्रांसफर्ड बैक टू द सेकंड कंटेनर। Then the ratio of sugar syrup and milk in second container is. Now यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, एक बार half यहाँ हम कर रहे हैं, फिर हम half यहाँ कर रहे हैं, और एक बार half हम और कर रहे हैं। तो सही value अगर आप assume कर सकें, तो आपकी calculation काफी fast हो जाएगी। यहाँ पर दो container है हमारे पास, से ये container A है, और ये container B है, दोनों का volume same है, half filled है। तो लेट अस से, क्योंकि यहां पर गिवन है जो फर्स्ट कंटेनर है इसमें शुगर सिरप है, से शुगर सिरप इसमें है 80 यूनिट्स, नाउ 80 मिलीलीटर ले लीजिए, 80 लीटर्स ले लीजिए, और यहां पर मिल्क होगा 80। हमने 80 क्यों लिया है, क्योंकि तीन बार हाफ किया है तो डिनोमिनेटर में तीन बार 2 आ रहा है, सो 2 × 2 × 2 = 8। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं फ्रैक्शंस को अवॉइड कर सकूं। यहां से हाफ जो हमारा कंटेंट है वो इधर ट्रांसफर हो गया, तो अब यहां शुगर सिरप बचा है 40, यहां शुगर सिरप 40 और मिल्क 80। नाउ अगेन अगर हम इस कंटेनर से हाफ द कंटेंट ट्रांसफर करेंगे इस कंटेनर में, तो बड़ा सिंपल सा रूल है, जब भी आप एक होमोजेनियस मिक्सचर से कुछ फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन रिमूव करते हैं, तो अंदर जो भी कंटेंट है वो उसी फ्रैक्शन से रिड्यूस हो जाता है। That means, अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही हम हाफ इधर ट्रांसफर करेंगे, ये दोनों हाफ इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो शुगर सिरप यहां से हाफ इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 और यहां पर 20 लेस होके बचेगा 20। मिल्क हाफ इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो मिल्क हो जाएगा 40 और यहां भी मिल्क 40 रिड्यूस होके और कितना बचेगा। अब हमारे पास शुगर सिरप है 60, मिल्क है 40। यहां से फिर हमने क्या किया, हाफ ऑफ द जो मिक्सचर है वो हमने यहां ट्रांसफर करा, तो हर एक चीज हाफ कम हो गई, शुगर हाफ कम हो गई, यानी 30 उधर चला गया तो 30 यहां बचेगा, यहां शुगर सिरप बचेगा 30 और यहां शुगर सिरप 30 अगर चला जाए तो 20 + 30 करने पर 50 हो जाएगा। व्हाट अबाउट मिल्क, हाफ उधर चला गया तो मिल्क 20 बचेगा और 20 उधर जाने के बाद मिल्क 40 + 20 = 60 हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है रेशियो ऑफ शुगर सिरप एंड मिल्क इन द सेकंड कंटेनर, तो हम ये मान के चलेंगे एग्जामिनर इसी ऑर्डर में हमसे यहां पर पूछ रहा है, 50 = 60 या 5 = 6 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहां पर एक ऑप्शन में 6 = 5 भी है, तो कंफ्यूजन ना हो तो हम उसी ऑर्डर को लेके चलेंगे जो हमें पूछा गया।